Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video I'll be sharing with you guys how to make anda pulao at home. घर पर अंडा पुलाव किस तरह से बना सकते हैं, तो let's get started with the video. सबसे पहले आपने एक बड़ा कांदा लेना है, उसको कट कर लेना है. एक मिर्ची मैंने ऐसे ही कट कर लिया, आप चाहे तो ना डालिए. ओके, यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है, कड़ी पत्ता लिया है, ये सारे गरम मसाले लिए हैं जो आप लोगों को पता हो. ना पता हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी क्योंकि मुझे उसके नाम नहीं पता है. गाजर, शिमला मिर्च और मटर हमने ले लिया है. आलू कट कर लिया है, आलू ऑप्शनल है, आपको डालना है डालें, नहीं डालना मत डालें. ये रहा एक ग्लास बासमती चावल जो मैंने भिगो के रखे थे. ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं गैस ऑन. मैंने यूजली मम्मी को बहुत बार चिकन पुलाव बनाते हुए देखा है, तो मैं थोड़ा बहुत उनके हिसाब से बनाने का ट्राई कर रही थी एंड बहुत यमी, बहुत टेस्टी बना. बस एक सा फॉल्ट हो गया जो कि नमक कम हो गया था. मेरे हाथों से ना हमेशा नमक कम हो जाता है क्योंकि मैं बड़े डर के डालती हूँ. मैं ऐसे सोचती हूँ कि नमक ज़्यादा ना हो जाए. नमक कम चलेगा पर नमक ज़्यादा नहीं चलेगा, तो ये रीज़न होता है मेरा नमक कम डालने का. यहाँ सबसे पहले तेल में मैंने लिया कांदा और मिर्ची डाल दिया. आप अगर हरी मिर्ची का पेस्ट नहीं यूज़ करना चाहो ना, तो आप 6 से 7 हरी मिर्ची कट करके इसमें डाल दो ये टाइम पर. और अगर आप मिर्ची का पेस्ट यूज़ करने वाले हो तो नहीं डालो. मैं मिर्ची का पेस्ट यूज़ करने वाली हूँ इसलिए मैं नहीं डाली, बट मुझे ना ऐसी मिर्ची कट करके डाल लेना लाइक मसाले में, सालन में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. वो बड़ी फीकी मिर्ची होती है, बट मेरे पास फीकी मिर्ची यूजली नहीं होती है, जिसकी वजह से मैं ये वाली मिर्ची डाल देती हूँ. अब ठीक है, अब इसको अच्छे से भूनना है आपको. आपको जितना अच्छा कलर पुलाव का रखना है ना, उतना कांदा को आपको भूनना है. ठीक है, जितना ब्राउनिश रखना है या वाइटिश रखना है, जैसा भी आपको रखना है उस हिसाब से आपको कांदे को भूनना है. ये यहाँ पे मैंने सारे गरम मसाले ऊपर से डाल दिए. कड़ी पत्ता हमेशा लेट डालिएगा कांदे के बाद ही, बिकॉज़ क्या होता है ना, कड़ी पत्ता जल जाता है अगर हम पहले डालते हैं तो इसलिए हमें कड़ी पत्ता बाद में डालना चाहिए, कड़ी पत्ता पहले नहीं डालना चाहिए. यहाँ मैंने कड़ी पत्ते को बाद में डाला. अब उसके बाद अदरक लहसुन का 1 चम्मच लिया, हरी मिर्ची का 1 चम्मच लिया. तीखा मेरे घर में कम खाते हैं तो मैं भी कम डालती हूँ, क्योंकि तीखा जितना कम हो उतना बेहतर है. ज़्यादा तीखा होगा कोई खाएगा नहीं, वो सब हरकत करना नहीं होता है, तो इसलिए मैं कम डालती हूँ. और ये सारे मसाले डालने के बाद मैं इसको भूनूंगी. ओके, तो अदरक लहसुन और हरी मिर्ची को मैं भूनूंगी अच्छे से. इतने अच्छे से आपको इसको भुनाई करनी है ना कि टेस्ट ना आए. सबसे एक मिस्टेक जो मैं पहले करती थी, मैं सारे न्यू बिगिनर्स को बता दूं कि अदरक लहसुन का ना टेस्ट आ जाता था, मतलब जो पेस्ट है उसका स्मेल या टेस्ट मैं कहूँ मेरे पुलाव में हमेशा रह जाता था. तो ये टाइम पे मैंने क्या किया, मैंने सोचा मैं इसे अच्छे से भूनूंगी. बेटा जितना टाइम जाता है जाए, क्योंकि मम्मी भी बड़ी मेहनत से पुलाव बनाती, मैं भी बड़ी मेहनत से इसे भून लूँगी. यहाँ पे मैंने 1 चम्मच धनिया डाला और मैंने कहा कि अब मैं मसाले इतने अच्छे से भूनूंगी कि मसाला और तेल अलग अलग हो जाए. तो यहाँ पे मैंने भुनाई स्टार्ट कर दिया. गैस को मैंने रखा मीडियम फ्लेम पर और वही फ्लेम पे मैंने उसको भूनते गई. पहले मैं डरती थी कि नीचे ना लग जाए, अब मुझे थोड़ा समझने लग गया कि चीज़ें नीचे नहीं लगती बेटा, ऑयल और वो अलग हो जाता है. ये जब मुझे हल्का हल्का अलग लगने लगा तब मैंने इसमें ऐड किया दही. दही आपको आधा कप डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है. कभी भी आप दही डाल के चीज़ें बनाती हो ना, जैसे ग्रेवी बोलो या कुछ भी बोलो, बड़ी गाढ़ी और टेस्टी बनती है. मतलब एक सॉफ्टनेस या डिलीशियस सा टेस्ट आता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. तो मैं दही पुलाव में ऐड करती हूँ, मम्मी भी पुलाव में दही ऐड करते, तो मैंने यहाँ दही ऐड किया और उसको फिर अच्छे से भुना. दही डालने के बाद ना मसाला बराबर मसाला लग रहा था और तेल अलग हो रहा था, तो मैंने इसको अच्छे से इसकी भुनाई करा. और उसके बाद मैंने इसमें डाला आलू. स्लो पर या मीडियम फ्लेम पर इसकी भुनाई अच्छे से करनी है, तभी आपको बाकी की चीज़ें डालनी है. जब तक मसाला अच्छे से ना भुना जाए तब तक आपने कुछ नहीं ऐड करना है. ठीक है, यहाँ मैंने आलू डाला. आलू डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से किया मिक्स आलू को मसाले के साथ. और फिर मैंने सारी वेजीज जो भी मैंने रखी थी, टमाटर को छोड़ के मैंने सारी वेजीज डाल दी, बिकॉज़ मेरी मम्मी ना पुलाव में टमाटर नहीं डालती है, तो मैंने भी नहीं अवॉइड किया डालना कि चलो मैं भी नहीं डालती हूँ. एंड पता नहीं डालती है या नहीं डालती, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट नहीं डालती है ज़्यादा तक ऐसा है. ठीक है, अब हल्का सा पानी डाला और वेजीज़ को किया अच्छी से भुनाई. वेजीज़ की ना ज़्यादा भुनाई नहीं करनी है आपने, क्योंकि मुंह में थोड़ा बहुत टेस्ट आना चाहिए, बट ये नहीं हो कि वो कच्चा रह जाए. कच्चा कोई भी नहीं खाएगा, तो इसे पकाना है. तो इसको ना कम से कम 2 से 3 मिनट आपको मीडियम फ्लेम पे भूनते रहने का है अच्छे से. यहाँ देखो मैंने मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसकी भुनाई की, जैसे शिमला मिर्च, गाजर, मटर, आप जो जो वेजीज डालना चाहो, कॉलीफ्लावर वगैरह आप डाल सकते हो, बट मेरे को ज़्यादा वेजीज नहीं ऐड करनी थी. बट मेरे पास शिमला मिर्च और गाजर पड़ी थी और मम्मी पुलाव में यूजुअली डालती है, तो मैंने सोचा मैं भी अपने पुलाव में डालूंगी एंड मैंने इसको भी ऐड कर लिया. अब यहाँ इसकी भुनाई अच्छी से करने के बाद
मैंने इसमें डाल दिया दो ग्लास भर के पानी, ठीक है। एक वही सेम ग्लास भर के मैंने चावल लिया था, तो वही सेम ग्लास भर के दो ग्लास भर के पानी डाल दिया। और मैं आपको एक और एक चीज़ बता दूँ, आपको जब ये वेजीज़ की भुनाई करोगे ना, एक अच्छी सी स्मेल आएगी, तो वो स्मेल के टाइम आपको पानी ऐड करना है, ठीक है। आपको खुद से आएगी, आप थोड़ा बहुत नॉलेज ले लो तब। यहाँ मैंने ना ट्राई किया था अंडों को भूनने का तेल में, बट क्या करूँ, वो बहुत चट 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 से हो रहे थे और मुझे बड़ा डर लग रहा था। मैंने कहा बेटा नो रिस्क, चुपचाप से इसको साइड में रखो। ये जब पहला उबाल आता है ना, तब आपने इसमें नमक ऐड करना है। मेरे हिसाब से नमक पहले ऐड करना था मसाले के साथ, बट मैंने ये पहले उबाल में नमक ऐड किया। फिर उसके बाद मैंने आधा आधा चम्मच गरम मसाला ऐड किया। ये मेरी मॉम हमेशा पुलाव में ऐड करती है, जो क्योंकि मसाले का टेस्ट और एक स्मेल खुशबू बड़ी अच्छी सी आती है, तो ये आधा चम्मच ऐड किया। उसके बाद ये लिया मैंने पूरा राइस और उठा के डाल दिया चावल को इसमें, ठीक है। पूरे चावल को अच्छे से धो धो के डाल दिया। अब इसके बाद ये जो था इसको मैंने रखा ढक कर कि चलो ये अच्छा सा एक उबाल आ जाए। जब इसमें हल्का सा एक उबाल आया, तब मैंने इसको दम पे लगा दिया। एंड दम पे लगाने के बाद मैं आप लोगों को बता दूँ, इसमें इतना पानी था तब मैंने इतने पानी में अंडे ऊपर रख दिए, ताकि अंडों में भी ना वो मसाले का टेस्ट आए, ना कि वो ऐसे ऊपर से बिखरे बिखरे लगे। तो ये मेरे बिरयानी सॉरी चिकन अंडा पुलाव रेडी हो गया था। एंड ट्रस्ट मी, बहुत टेस्टी बना था। डैडी को बड़ा 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 पसंद आया। मम्मी ने टेस्ट अभी तक नहीं किया है जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। लेट्स सी कौन कौन घर में टेस्ट करता है। मैंने खुद ने किया, मुझे अच्छा लगा, बट मम्मी के हाथ की बात अलग होती है, मम्मी के हाथ के टेस्ट की बात अलग होती है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ओके था, एंड बट मम्मा इज़ मम्मा। ओके, सो इफ यू गाइज लाइक माई वीडियो, मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल दैट बाय बाय, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बहुत टेस्टी बना था, बहुत यम बना था। थोड़ी बहुत मम्मी की चीज़ें मैं फॉलो अप कर लेती हूँ, जैसे पूरी रेसिपी होने के बाद एक चम्मच असली घी ऊपर से डाल देना। ये सारी चीज़ें छोटी मोटी सी बड़ी टेस्टी एंड यमी कर लेती है डिश को, एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आप लोग भी अपने घर में ट्राई करना और मुझे बताना कि किस तरह से बनी। बाय बाय।